भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र अध्यक्ष नरेश टकैत भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचे। इस दौरान नरेश टकैत के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता हैं। नरेश टकैत बड़े काफिले के साथ बड़ौत मार्ग से होते हुए दिल्ली पहुंचे। दरअसल गणतंत्र दिवस को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगातार भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के लिए कूच किया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टकैत पहले से ही दिल्ली में हैं और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र अध्यक्ष नरेश टकैत के पहुंचने पर किसान आंदोलन को बल मिलेगा। किसान लगातार दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, क्योंकि जो 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर परेड निकाली गई है उसके लिए लगातार कूच कर रहे हैं। वहीं भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहां से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको, यहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टकैत के साथ काफ़ी बड़ा काफिला है और वहीं ये काफिला दिल्ली के लिए कूच कर रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टकैत, उनके साथ यहाँ पर बड़ा काफिला निकला है। वहीं बता दें आपको, जोर शोर से नारेबाजी हो रही है और वहीं जो तमाम युवाओं में, तमाम भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में दिल्ली में जो ट्रैक्टर परेड है उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित दिख रहे हैं। वहीं देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता वो नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये दिल्ली के लिए भारी संख्या में कूच कर रहे हैं ताकि 26 जनवरी की परेड में शामिल हो सकें और भारी संख्या में पहुँच सकें। वहीं आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर लगातार भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता कूच करते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।